नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अपना हो जाता है बीकॉम थर्ड ईयर का, ये मॉडल पेपर रहने वाला है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा रहने वाला है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप 2022 में टॉप करना चाहते हैं तो भाई ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 2022 का मॉडल पेपर यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यहां से ढूंढ के निकाला है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके छप रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2022 में आने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि आपके सामने रखा है क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर कह रहा है वित्तीय प्रबंधन का अर्थ। जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसका अर्थ देखना है, इसकी सीमाएं क्या होती है, इसकी विशेषताएं और इसके कार्यों के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखना है। हाइडिंग जो होती है उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड हमारा क्वेश्चन कौन सा होता है। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वित्तीय नियोजन क्या होता है, जो वित्तीय नियोजन है उसके बारे में। ऊपर में क्या देखा था? वित्तीय प्रबंधन। अब यहां देखो वित्तीय नियोजन का आपको बताना है, वित्तीय नियोजन है क्या, इसका अर्थ बताना है, महत्व, सीमाएं और विशेषताएं और उसके गुण के बारे में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का जो मॉडल पेपर में कौन सा रहने वाला है, यह क्वेश्चन अपना हो जाता है पूंजी बजट क्या है। पूंजी बजट जो होता है उसके बारे में, इसका अर्थ, इसका महत्व बताना है, सीमाएं कौन कौन सी, विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती हैं। और बात करते हैं परियोजना, जो बजट होता है ना, यहां पर पूंजी बजट तो हो ही जाता है, साथ में आपको परियोजना बजट भी देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पूंजी बजट और परियोजना बजट में अंतर पूछ सकता है, इसलिए यहां पर आपको यहां पर दे रखा है मॉडल पेपर के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए वो ये देखा है पुनर्भुगतान अवधि पद्धति जो है, पुनर्भुगतान अवधि पद्धति का प्रयोग आपको बताना है किस प्रकार से होता है और इसके लाभ क्या क्या हो जाते हैं, यह क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहां देखा है समता पूंजी की लागत। जो समता पूंजी की लागत होती है उसके बारे में आपको डिटेल बताना है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसका महत्व क्या है यह भी आपको समझाना है, ध्यान रखना है, हेडिंग पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बात करते हैं, यहां देखिएगा परिचालन उत्तोलक, जो परिचालन उत्तोलक की अवधारणा होती है उसको आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा जाता है। बात करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं, देखिएगा वित्तीय उत्तोलक जो होता है, यह क्वेश्चन हो जाता है वित्तीय उत्तोलक किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, महत्व, सीमाएं आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां देखो और यहीं पर आता है पूंजी संरचना क्या है, इसके घटकों और इसके सिद्धांतों के बारे में भी बताना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बस इतने ही क्वेश्चन आपको कर लेना है जितने मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, यहीं से आपको कितना मिलेगा, 90%+ देखने को मिलने वाला है अपना क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। बात करते हैं समता पर व्यापार, जो समता पर व्यापार होता है उसको आपको समझाना है, इसके महत्व, इसकी सीमाएं, उद्देश्य और इसके प्रभाव के बारे में बता देना है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है लाभांश क्या होता है। लाभांश क्या है, बिल्कुल इजीली आराम से बता सकते हो लाभांश क्या है, हेडिंग डाल के बताना है लाभांश, उसके बाद उसको लिखना है। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आपके एग्जाम में, हेडिंग डालोगे नंबर बढ़ेंगे आपके। बात करते हैं लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं, इसके घटक और इसके गुण और दोषों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा हो सकता है। बात करते हैं कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी होती क्या है, इसके स्रोत, अर्थ, गुण और दोषों के बारे में फटाफट बता देना है। कैसे लिखना है, हेडिंग डालकर लिखना है। ठीक है, जैसे कि महत्व, निम्नलिखित गुण इस प्रकार से हो जाते हैं, तो वो काली हेडिंग डालना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, और 1, 2, 3, 4 करके इसके गुण दोष बताना है। बात करते हैं नकद कोष, नकद कोष। ठीक है, हाँ, तो भी हम कहां पर थे देखिएगा, इसके लिए बात करते हैं नकद कोष रखने की आवश्यकता और उसके घटक के बारे में यहां पर आपको बता देना है। ठीक है, कौन सा देखा था, कार्यशील पूंजी क्या होती है, इसके स्रोत, अर्थ, गुण और दोष के बारे में बता देना है, और नकद कोष रखने की आवश्यकता और उसके घटक के बारे में यहां पर आपको बता देना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं, ये मॉडल पेपर होता है 2022 का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट को, देखिएगा खास नीति का क्या अर्थ होता है, सॉरी जो साख नीति होती है उसका क्या अर्थ होता है, इसको आपको बताना है, और आपको बताना है स्कंद का अर्थ और इसके घटक यहां पर बिल्कुल अच्छी प्रकार से लिख देना है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाता है। बात करते हैं जो अपना स्कंद होता है, स्कंद स्तर का निर्धारण जो होता है किस प्रकार से होता है यह समझाना है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं इनको लिखना है, हेडिंग के साथ इनकी थ्योरी संभाल के बताना आपके लिए। ठीक है, और बात करते हैं जो XLTD था उसको एक यंत्र क्रम करना है। ठीक है, एक यंत्र क्रम के अनुसार करना है, क्रय करना है। ठीक है, LTD को एक क्रय
करना है, इसको आराम से समझा देना है। और क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न आते हैं, और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो आंकिक प्रश्न लिटरेचर क्वेश्चन आते हैं, बहुत पूछा आ रहा है एग्जाम में। बात करते हैं देखिएगा परियोजना मूल्यांकन, जो परियोजना मूल्यांकन को परियोजना मूल्यांकन की क्या प्रत्याय दर प्रत्याय दर विधि जो होती है उसको बताना है, परियोजना मूल्यांकन की प्रत्याय दर विधि जो होती है उसको बताना है, इसके गुण दोष और इसके लाभ के बारे में बता देना है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है ये। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पूंजी की लागत का महत्व, पूंजी की लागत का जो महत्व होता है उसको देख लेना है, और बात करते हैं प्रतिधारित लाभों की लागत भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। बात करते हैं आगे की ओर, उत्तोलक, उत्तोलक क्या है, इसके अर्थ, इसके भेद है ना, इसके अर्थ, उत्तोलक होता क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके भेद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं पूंजी कारण एवं पूंजी संरचना में अंतर बताइएगा, पूंजी कारण क्या होता है और पूंजी संरचना क्या होती है, उनमें अंतर बता देना है, और तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी आपको याद होनी चाहिए साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यह हो जाता है तुम्हारा प्राप्तियों में चुपना हो जाता है विनियोग, प्राप्तियों में विनियोग के आधार को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उनको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है भी, ठीक है। बात करते हैं प्राम्यों के प्रबंध से क्या आशय है, तो वही क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल एक ही क्वेश्चन है दोनों की दोनों। तो बात करते हैं ध्यान से इस क्वेश्चनों को देखना है, बस इतने ही क्वेश्चन अपने हो जाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, दोबारा मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन शॉट सभी लोग ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर 2022 का मॉडल पेपर है, बस इतने ही क्वेश्चन आपको कवर करना है, 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिए जा रहे हैं, अगर इतने क्वेश्चन आप कवर कर लोगे तो कम से कम आपका 90+ यहां पर आपको फंसने वाला है, ठीक है, 90%+ आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है, तो सारे के सारे यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले अपने, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 2022 का ये मॉडल पेपर आता है, बहुत ही अच्छे प्रकार से आपके लिए यहां पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चनों को रट के जाना है, बाकी क्वेश्चनों को चाहे देखो या मत देखो वो आपकी मर्जी हो जाती है, मगर यह क्वेश्चन 100% देख के जाना है, ठीक है, मैं तो कह सकता हूं ना देखो, अगर आपको एक दो क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट और लग जाते हैं तो वही आपको देखना है, बाकी माथा पच्ची मत करना, ठीक है। तो बिल्कुल यही क्वेश्चनों को रट लेना, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। लाइक करो, शेयर करो, दबाकर ठोंक दो, ठीक है, जो कि क्या है बेल आइकन टूट जाए और क्या हो जाए भाई, लाइक उठकर खड़ा हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जय हिंद जय भारत, मॉडल पेपर बिल्कुल रट के जाना।